सप्लाई में दे रखी है, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें ये दे रखा है 482 मल्टीप्लाइड बाई 813 मॉड 7, ये दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है, 482 मल्टीप्लाइड बाई 813 मॉड 7, ये है। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए, दैट मॉड 7, यानी कि उसको 7 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। दूसरा तरीका ये है कि 482 मॉड 7 मल्टीप्लाइड बाई 813 मॉड 7, ऐसे किया जा सकता है। अब 482 मॉड 7 अगर हम करेंगे तो आप इसको डिवाइड करके बंदे को ऐसे ही सीधा देख लो कि 7 से अगर 48 को डिवाइड करता हूँ तो 7 6 42 48 माइनस 42 हो गया 6, 62 आ गया, 62 तो 7 8 56, 7 8 56 का मतलब क्या हुआ, 62 और 50 में से 56 सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 6 मत लिखना, इसको लिखना 6 mod 7, इसको 6 mod 7 लिखना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा देखिए कि जैसे यहाँ पर हमने 482 लिया था, तो 482 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 6 42, 48 माइनस 42 हो गया 6, 62 आ गया, 7 8 56, तो 62 माइनस 56 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब कायदे से तो 6 लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम 6 mod 7 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, अगर 6 mod 7 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। उसका मतलब क्या है कि अब 6 upon 7 है, बेसिकली इस mod का मतलब स्लैश ही होता है, बस रिजल्ट में हमें रिमाइंडर लिखना होता है। तो आप ये देखो कि अगर 6 divided by 7 भी है ना, तो 6 जो है वो 7 के टेबल में तो आता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे। देशी एक मिनट वेट करिएगा, लाइट जा रही है यहाँ पर बार बार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो ये जो रिजल्ट इसका 6 भी आया था, इसको 6 mod 7 देखेंगे, तो 7 0 0 0, तो इधर 0 आ गया, 7 0 0 0, 6 minus 0 6, तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर 6 है तो उसको 6 mod 7 लिख सकते हैं। अब सवाल आ सकता है मन में कि इसको मैं 6 mod 7 क्यों लिख रहा हूँ, 6 ही क्यों नहीं लिख देता, बताता हूँ। पहले इधर मल्टीप्लाई करिए और इसको देखिए 813 mod 7, तो 813 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 8 minus 7 कितना हो गया 1, फिर 1 आ गया 11, 7 1 7, 11 minus 7 कितना हो गया 4, 4 3 43, 7 6 42, 43 minus 42 हो गया 1, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इसी तरह से जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसको भी मैं 1.7 लिख सकता हूँ। अब देखिएगा, जैसे 482 मल्टीप्लाइड बाई 813 मॉड 7 को हमने अलग अलग स्प्लिट करके लिख दिया, तो इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ये 6 mod 7 है और 1 mod 7 है, तो 6 into 1 mod 7, 6 into 1 mod 7, ऐसे लिखा जा सकता है। 6 into 1 कितना हो गया 6, अब ये मल्टीप्लीकेशन करना आसान है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
ये मल्टीप्लीकेशन करना मुश्किल था इसलिए स्प्लिट कर दिया था, तो ये हो गया 6 mod 7 और 6 mod 7 मैं करके देख ही चुका हूँ, 6 mod 7 का रिजल्ट 6 ही आ रहा है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट 6 हुआ। वो हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि सोचो कि यहाँ पर अगर 2 आ जाता, अगर यहाँ पर 2 आता तो 2 mod 7 अगर होता तो रिजल्ट क्या आता, उसका 2 ही आता, इसका 6 आता, तो आप यहाँ पर 6 लिख देते और वहाँ पर लिख देते 2, तो 6 + 2 क्या हो जाता 12, आपका रिजल्ट 12 आ जाता। और यहाँ पर अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मान लो फॉर एग्जांपल कि 6 mod 7 है यहाँ पर और यहाँ पर मान लो 2 mod 7 है, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि 6 mod 7 को मैं सीधा 6 लिख देता और 2 mod 7 को मैं सीधा 2 लिख देता तो हमारा रिजल्ट आ जाता 12, ठीक है, रिजल्ट 12 आ जाता जो कि गलत होता। कैसे, जब भी नंबर बड़े होते हैं तो हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन लेकर ही पहले मॉड निकाला जाए, तो आप ये देखिए कि जैसे 6 mod 7 है ना, तो अब अगर इसको इस तरीके से करा जाता तो क्या होता 6 × 2 mod 7, 6 × 2 mod 7 का मतलब हो गया 12 mod 7 और 12 mod 7 का रिजल्ट क्या आएगा 5, तो रिजल्ट 5 है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 1 था तो 6 × 1 ये तो चल गया क्योंकि ये 7 से छोटा आ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 2 mod 7 होता तो वो 6 × 2 = 12 वो बड़ा आ जाता, डिवाइजर यहाँ पर क्या है मॉड के बाद जो लिखा रहता है वही डिवाइजर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं, ठीक है। 14th वाला देखिए, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, 14 देख रहा
चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पर 14 का जो आंसर है ये सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव में दे रखा और तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा लास्ट में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 तक करा था, अब तो इसके बाद आप करिए एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 5 पर ही है एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज इसकी नोट कर लो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक, मॉड्यूलो अरिथमेटिक में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी आसानी है, जैसे ये भी था, ये भी हमने प्रॉपर्टी लगा कर ही करा था, लेकिन देख लीजिए एक दो थोड़ी सी अलग भी है। तो अगर यहाँ पर ये दे रखा है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन दोनों तरफ मॉड कर दिया जाए, ए मॉड एन, ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन इज इक्विवेलेंट टू सी मॉड एन, इज इक्विवेलेंट टू सी मॉड एन, ये हो जाता है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, समझ गए भाई, इसके साथ भी मॉडल कर दिया, इसके साथ भी मॉडल कर दिया और इसके साथ भी मॉडल कर दिया, कुल मिलाकर है क्या कि दोनों तरफ आपने एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मॉड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, बस रिजल्ट में क्वेश्चन ना आकर रिजल्ट में रिमाइंडर आता है, बस ये। अगला देखिए प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन, if a is equivalent to b mod n then a plus k is equivalent to b plus k mod n। ठीक है, मतलब हमने ये जो दोनों टर्म्स हैं a और b, इन दोनों में हमने k ऐड करा है, मॉड एन यानी कि जो टर्म डिवाइड कर रहा है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो एस्ट हो जाएगा। थर्ड देखिएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन, ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन एंड सी इज इक्विवेलेंट टू डी मॉड एन, then a plus c is equal to b plus d mod n, a plus c is equivalent to b plus d mod n, दोनों तरफ अगर नेगेटिव लगा दें, माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू माइनस बी मॉड एन। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 8,
एग्जांपल 8, इसमें है 486 प्लस 729 नॉट वेल, 486 प्लस 729 मॉट वैल्यू ये है। तो जब ये दोनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं ना, तो इनको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों को ऐड करके मॉट वैल्यू कर लो, ठीक, और नहीं तो स्प्लिट करके भी कर सकते हो। कैसे? 486 मॉट वैल्यू प्लस 729 मॉट वैल्यू। अब इसका क्या है कि भाई आप 12 से डिवाइड करिए, तो 486 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 48, फिर 6 आ गया, तो 6 तो आता नहीं 12 के टेबल में, तो 12 0 सा 0, तो रिमाइंडर 6 ही आ गया, सीधा सीधा रिमाइंडर 6 आ गया। तो यहाँ पर अगेन मैं उसको 6 ना लिखकर मैं 6 मॉड 12 लिखूंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स ऐड हो रहे हैं। जैसे वहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इस वजह से 6 ना लिखकर उसको 6 मॉड 12 लिखेंगे। 729 मॉड 12, तो 729 को डिवाइड करो 12 से, 12 सिक्स जा 72, फिर ये 9 आ गया, तो 12 0 जा 0 और रिमाइंडर आ गया 9, तो 9 आ गया रिमाइंडर, तो ये हो गया 9 मॉड 12। अगर मैं इसको सीधा 6 लिख दूं और इसको सीधा 9 लिख दूं, तो 6 प्लस 9 हो जाएगा, 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस 9 मॉड 12 यानी कि 15 मॉड 12 क्या आएगा रिजल्ट, 3। इसका रिजल्ट 3 हो गया। अगला देखिएगा एग्जांपल 9, एग्जाम्पल 9 में है फाइंड द रिमाइंडर 9, ये पूरी बड़ी टर्म दे रखी है 672 प्लस 541 प्लस 383 प्लस 295 प्लस 101 प्लस 56 इज डिवाइडेड बाय 3, इज डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या, मॉड 3। तो सबका मॉड 3 अलग अलग कर लो, 672 मॉड 3 प्लस 541 मॉड 3 प्लस 383 mod 3 प्लस 295 mod 3 प्लस 101 mod 3 प्लस 86 mod 3 ये हो गया। कितनी टर्म्स हैं एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। सबको अलग अलग डिवाइड करके देखो, 672 को जब करेंगे 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 यानी कि सबका सम जो है तीनों डिजिट्स का सम जो है वो 15 है, विच इज डिविजिबल बाई 3, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही, 0 बचेगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 मॉड 3 प्लस 541, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 मॉड 3, 383 में 3 प्लस 8 11 प्लस 3 14, तो 3 1 3 ये हो गया, 3 2 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, 23, 3 7 21, तो रिमाइंडर बचेगा 2, 2 मॉड 3, 295 का देखिए तो 3 9 20,
39 माइनस 27 कितना हो गया 2 25 हो गया 3 24 तो 1 बचेगा 1 mod 3 101 mod 3 ये देखिएगा 3 3 9 3 3 9 10 minus 9 कितना हो गया 1 1 1 11 3 3 9 11 minus 9 हो गया 2 तो 2 बचा गया 2 mod 3 प्लस 8 plus 6 कितना होता है 14 खैर नहीं होगा 3 से डिवाइड तो 3 2 6 8 minus 6 कितना हो गया 2 26 3 8 24 तो 2 बच गया 2 mod 3 ठीक है अब जितने भी टर्म्स हैं सबको ऐड कर दो 0 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 mod 3 1 plus 2 3 3 plus 1 4 4 plus 2 6 plus 2 8 तो ये आ गया 8 mod 3 क्या आएगा रिजल्ट 2 इसका रिजल्ट आ गया 2 ठीक है अब मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का पेपर जो है वो नॉर्मल मैथ से आसान ही बनता है तो वो मैंने दो बार देख लिया जो इससे पहले वाला था उसके क्वेश्चंस बताए थे बस दो बच्चे थे हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस बताए थे जो टर्म वन का हुआ था तो टर्म वन का पेपर भी बड़ा आसान आया था वो एमसीक्यू बेस्ड था और सेकेंड वाला वो मैंने आपको दे दिया वो मैं अभी डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे वो वाले हैं जो अभी सिलेबस में हम नहीं कर रहे तो वो बाद में करवा देंगे पेपर मैंने ग्रुप पर डाल दिया था सेव करके रखेंगे क्योंकि एक ही पेपर अवेलेबल है इसका चलिए जी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए सी इज इक्वल टू बी डी मॉड एन, ए सी इज इक्वल टू बी डी मॉड एन, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड 186 इंटू 93 मॉड 7। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने क्वेश्चन देखा था, अलग अलग कर दीजिए 186 मॉड 7 मल्टीप्लाई बाई 93 मॉड 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू 14, 18 माइनस 14 हो गया 4, 4 6 46, 7 6 42 4 आ गया, 4 मॉड 7 लिखूंगा मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 93 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 7 का 91 होता है, तो 2 आ जाएगा, 2 मॉड 7 दोनों को कंबाइन कर लो 4 इंटू 2 मॉड 7, तो 4 2 का क्या हो जाएगा 8 मॉड 7, 8 मॉड 7 रिजल्ट क्या आ गया 1, इसका रिजल्ट 1 है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 में बड़ा प्रोडक्ट दे रखा है, से पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो रिजल्ट क्या बचा 1, 1
मॉड 5 और इधर 250 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट पहुंचेगा 1 1 मॉड 5 ठीक है। अब इन सबको आप 3 × 2 × 4 × 2 × 1 × 1 1 2 3 4 5 6 मॉड 5 3 × 6 = 24 × 2 = 48 रिजल्ट क्या आएगा 3 × 5 = 45 रिजल्ट आ गया 3 ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 12 में है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 2 3 4 5 × 6 7 8 9 लास्ट टू डिजिट्स पता नहीं है तो लास्ट टू डिजिट्स कैसे बताएंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें कोई नंबर दे रखा है और हमसे ये कहा जाए कि उसकी लास्ट की दो डिजिट बतानी है, आखिरी की दो डिजिट बतानी है, तो वो आखिरी की दो डिजिट आप किस तरह से बताएंगे देखिएगा। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप ये देखिएगा कि ये जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की लास्ट की दो डिजिट बतानी है तो लास्ट की दो डिजिट कैसे बताई जा सकती है। आप ये देखो मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की दो डिजिट हमको बतानी है। आप नंबर मान लीजिए 237 ऐसे ही ये क्या हो गया चलिए ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 237 और 237 ऐसे तो हमें पता है कि नंबर है 237 ठीक है तो लास्ट की दो डिजिट हमें साफ दिखाई दे रहा है 237 है लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट की लास्ट की दो डिजिट कैसे बताएंगे। प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिना मल्टीप्लाई करे क्या कोई तरीका होता है। हाँ जी हम क्या करेंगे जैसे ये है 237 तो इसको 100 से डिवाइड कर दो इसकी लास्ट की दो डिजिट जो है वो लास्ट की जीरो है ना तो इसका मतलब जो भी इसका मल्टीपल आएगा उसकी लास्ट की दो डिजिट जीरो ही होगी। जैसे 100 टूजा कर दिया मैंने तो क्या हो गया 200 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 37 तो जो रिमाइंडर आया ना 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या होगा 100 का जितने भी मल्टीपल होंगे उसकी लास्ट की दो डिजिट जीरो होगी ठीक है। तो जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास ऑटोमेटिकली लास्ट के दो डिजिट ही बचेंगे ठीक। तो अब आप देखो इसमें लेट अस डिवाइड टू थ्री फोर फाइव इंटू सिक्स सेवन एट नाइन बाई 100 इसको आपको 100 से डिवाइड करना है 2 3 4 5 × 6 7 8 9 मॉड 100 तो 2 3 4 5 मॉड 100 इंटू 6 7 8 9 mod 100 ठीक है। तो आप करके देख लो कितना आ जाएगा 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 5 100 345 आ गया ये तो 100 3 300 तो मीटर क्या बचेगा 45 तो देखो 45 मॉड 100 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से 670 6789
तो 600 हो जाएगा, इसका भी 89 बचा, 89 मॉड 100। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 से डिवाइड करने पर लास्ट की दो डिजिट जो हैं वही रिमाइंडर बच रही हैं, ठीक है, चाहे फिर ये नंबर हो चाहे फिर ये नंबर हो। अब क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 89 मॉड 100, ये हो गया, ठीक। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 5 45, 4 कैरी, 9 4 36 और 4 40, 8 5 40, 4 कैरी, 8 4 32 और 4 36, 5 0 4 + 6 10, 1 कैरी आ गया, 4 0 5। रिजल्ट क्या आएगा इसका, 0 5। तो जो रिमाइंडर है वो, मतलब रिमाइंडर कह रहा हूँ सॉरी, लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं वो ये हो जाएगी, ठीक है। बताइए देवशी, क्लियर? ऑनलाइन है? अच्छा ऑनलाइन नहीं, चलिए ठीक है, अगला करेंगे, करिए जरा। जरा 2 मिनट दीजिए बस। तो लास्ट की 3 डिजिट जब पता करनी है तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना बस। अब एक्सपोनेंट्स के रूल्स लिखिए इसके,
एग्जांपल सॉरी एग्जांपल देखने से पहले प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंटेड मॉड्यूलो अरिथमेटिक एक ही प्रॉपर्टी है तो 3 की पावर 16 मॉड 4 आ गया
वन के बराबर आ गया। ठीक है देवशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो जी। देखिएगा एग्जांपल 14 में है, सॉरी 14 तो ये था ही, 14 तो ये था ही, 15 फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12, 12 की पावर 12 की लास्ट डिजिट का मतलब एक डिजिट, लास्ट की वन डिजिट, तो वो कैसे निकाली जाएगी? जैसे लास्ट की दो डिजिट है तो 100 से मल्टी 100 से डिवाइड, थ्री डिजिट्स हैं तो 1000 से, एक डिजिट है तो 10 से। तो 12 की पावर 12 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, और 10 से डिवाइड करने पर हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या रहेगा, ट्वेल्व की पावर 12 है ना, तो आप 12 की पावर 1 कर लो, 12 की पावर 1 फिर वही बात रहेगी। अगर मैं 12 की पावर 2 कर देता हूँ (12 × 2 mod 10) अगर ये कर देते हैं तो 1/4 हो गया, 1/4 12 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 1/4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए भाई, आखिरी वाली डिजिट तो आएगी बस 4 आ जाएगा। ठीक है तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 4 के बराबर। अब टेकिन द सेम एक्सपोनेंट, जो 16 mod 10 है
जब इसको 16 मॉड तक करेंगे तो 16 मॉड तक कितना आ जाएगा? 6 तो 6 मॉड तक ही लिखेंगे आप इसको, ठीक है? फिर क्या करिए, ठीक है, सेम एक्सपोनेंट 3 ऑन बोथ साइड्स, नल की पावर 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 मॉड 10, ये तो हो गया 12 की पावर 12 और 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 216 मॉड 10। तो जब 216 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो 6 ही बचेगा। उन्होंने क्या पूछा था? लास्ट डिजिट देयरफॉर लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12 इज 6 हो गया। सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 1 से लेकर 16 तक जितने भी हैं सारे क्वेश्चन करिए, बस आप करिए एडिशन मॉड्यूलो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा बचा हुआ है 17 18 19 इसी का है, तो आप 16 तक सारे कर लीजिए, ठीक है।